अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। बैग का मंज़र आप देख सकते हो यार। सबसे ज़्यादा जो मसला आता है ना मुझे इस्तांबुल में, वो यही आता है कि ये जो पहाड़ियाँ चढ़नी होती हैं ना यार, ये बहुत ज़्यादा थकाती हैं। और ये पीछे बस भी आ गई है, तो भाग के जो है ना पहले बस पर कर लें। मुझे जो है ना यही वाली बस पर करनी है और सीधा कबाता शताना है, फिर वहाँ जा कर मिलते हैं आपसे। दोस्तों, फ़िलहाल मैं बस के ज़रिए कबातश आया था और कबातश पर जैसे ही उतरा तो ट्रेन जो है लगी हुई थी ये वाली। तो मैंने कहा जब ट्रेन लगी हुई है तो क्यों ट्रेन को जो है मिस किया जाए, जितना जल्दी से जल्दी हो सके ट्रेन में बैठा जाए। मैं जैसे ही ट्रेन में बैठा हूँ ट्रेन जो है ना साथ ही चल पड़ी है, तो खुशकिस्मती रही है मेरी, ट्रेन मैंने मिस नहीं की। मैं कहा चलो टाइम से पहुँच जाएंगे, क्योंकि एमिनानो में जा रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, एमिनानो एक दोस्त वेट कर रहा है, इंशाल्लाह आपको उससे भी मिलवाते हैं। पहले भी काफ़ी बार हम दोनों इकट्ठे मिलके वीडियो बना चुके हैं, आज फिर दोबारा गेट टू गैदरिंग है। मैंने कहा चलो दोबारा मिलते हैं और थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा दोस्तों, फिलहाल ट्रेन जो है ना कड़ा कोई स्टाप से गुजरी है, ये एमिनानो का ब्रिज है। तो मुझे जो है ना अभी गेट पे जाना चाहिए, क्योंकि एमिनानो जो है आने वाला है स्टाप। तो मास्क यार ऊपर कर लें, ये बहुत सर दर्द रहती है, खासकर जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे होते हो ना, तब मास्क की बहुत सर दर्द रहती है। फिलहाल एमिनानो जो है ना, कह लो यार मेरा बहुत ही फेवरेट पॉइंट है। पीछे आप शिप देखो, समुंदर देखो और मंजर देखो आगे पीछे का, और बताना कमेंट करके कि ये मंजर आपको कैसा लगता है। दोस्तों ये मस्जिद जो देख रहे हो ना आप, जी हाँ दोस्तों, मेरी बैक पे जो ये मस्जिद देख रहे हो ना, जिस टाइम मैं इस्तांबुल में नया नया आया था ना, ये मस्जिद तब भी यहाँ पे ज़ेर तामीर थी। और अभी माशाल्लाह मस्जिद ज़ेर तामीर से मुराद मस्जिद पहले की है, मस्जिद ज़ेर तामीर से मुराद मतलब मस्जिद पहले से है, मतलब मुरम्मत वाला काम जारी था जो कि इधर चलता रहता है, जैसे अक्सर आया सोफिया का जारी रहता है या फिर ब्लू मॉस्क,
उसका भी जो अक्सर ही जारी रहता है। बाकी यार ये अंडरग्राउंड बाज़ार है मीनोनों के पास ना, ये बाज़ार भी अच्छा ही है, जब भी और लोगों का रश ही रहता है। एवरेज बाज़ार है ना, महंगा है ज़्यादा ना ज़्यादा सस्ता है, 50-50 है मतलब। तो आपको ये बाज़ार कैसा लगता है कमेंट करके बताना, ये भी मुझे अगर अच्छा लगता है तो भी बताना। बहरहाल बाज़ारों की मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस जो है ना शेयर कर चुका हूँ आपके साथ। एक जो इशू रहता है ना पब्लिक प्लेसेस में या खासकर क्राउडेड वाली प्लेसेस में, वो यही रहता है कि ये जो सेल्फी स्टिक है ना दोस्तों बहुत लंबी है, मतलब आगे से आने वाले लोगों को देखना पड़ता है किसी के सर पर लग लुग न जाए। क्या करें यार, देसी से बंदे हैं, कभी इतना सोचते नहीं हम। ओवरऑल यार एमिनोनों में पहुंच चुका हूँ, आपको थोड़ी सी एमिनोनों की सैर करवाते हैं, उसके बाद जो है दोस्त से मिलवाते हैं जिसको मिलने में खास इधर आया हूँ। यार मास्क की जो सर दर्द है ना वो ट्रेनों में ही है या बसेस में ही है, ठीक है, उसके अलावा कोई चक्कर नहीं है, कोई नहीं पूछता। जी हाँ दोस्तों ये है फिलहाल एमिनोनों, यहाँ काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट फेरी चलती हैं, गवर्नमेंट की भी चलती हैं। जैसे मेरे पीछे देख रहे हो आप, ये बोसफोरस की है, खास खास बोसफोरस की है, ठीक है, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है बस चुरो बोसफोरस एवरी डे। तो खैर यार मेरा काम था समुंदर पे आना, थोड़ा सा आपको समुंदर दिखाना एमिनोनों की साइड से, क्योंकि एमिनोनों जो है ना मेरा बहुत ही खास है, ख़ास जगह है ये वाली। अभी आप पीछे देख रहे हो एक शिप भी आ रहा है, ये जो पीछे अभी आप देख रहे हो ना ये जो शिप आ रहा है ये लोकल कार्ड के ज़रिए चलता है, ट्रम कार्ड इस्तांबुल कार्ड, मैं भी वही यूज़ करता हूँ, ये जो है उसी से चलता है। और इधर बैक पे जो है गलाटा टावर भी है, मतलब आप 15 मिनट वॉकिंग करके गलाटा टावर भी विज़िट कर सकते हो। तो कश्ती लेना चाहो यहाँ से कश्ती भी ले सकते हो, काफ़ी स्टाफ्स की यहाँ पे कश्ती हैं, जैसा कि ये एक स्टाफ है। और आपको कैसे पता चलेगा, आपको स्टाफ के पास जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि भाई इस स्टाफ से किस किस जगह की कश्तियाँ जाती हैं, ठीक है, टाइमिंग भी लिखी होती है कि इस कश्ती ने इतने बजे जाना है और नेक्स्ट कश्ती ने इतने बजे आना है और इतने बजे जाना है, ठीक है, सारा कुछ डिटेल लिखी होती है LCD पे। ये LCD मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये जो स्टाफ है ना ये उसको उधर का है, ये जो स्टाफ है ना पीछे लिखा भी हुआ है उसको उधर हाथ, ठीक है, इधर से जो कश्ती है ना वो उसको उधर तक जाती है, ठीक है, बाकी कादी कोई का लैदा है, हर जगह का स्टाफ लैदा है। और बस में एक ही स्टाफ से दो दो तीन तीन रूट की कश्तियाँ भी निकलती हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि समुंदर में कितनी कश्तियाँ और स्टाफ के पास कितनी कश्ती हैं। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए फिर दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।